हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है हमारे चैनल आर के जी के ट्रिक पर। फ्रेंड्स, राजस्थान रीट वैकेंसी का इंतजार था, इंतजार अब आप लोगों का खत्म हो चुका है। फ्रेंड्स, 16 से 17 लाख अभ्यर्थी लगातार आपके इंतजार कर रहे थे कि सर कब वैकेंसी आएगी, कोई मेंस की तैयारी का इंतजार कर रहा है, कोई पात्रता के एग्जाम की, जिसकी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी रीट पात्रता एग्जाम क्लियर है उनके लिए शानदार ये मौका रहने वाला है। और जो पहली बार ये एग्जाम देने की सोच रहा है उनके लिए भी अच्छा मौका है, वो पहले पात्रता एग्जाम फाइट करके फिर मेंस की तैयारी में लग जाना है आप लोगों को। और राजस्थान रीट भर्ती व्हाट्सएप ग्रुप है 8085713375। जो भी दोस्त शामिल होना चाहता है इस नंबरों पर आप हमें मैसेज कर देना, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में रीट वैकेंसी की पल पल की अपडेट, उसके साथ आपको रीट वैकेंसी में आए हुए पर्सन आपको वहां पर मिलेंगे और रीट वैकेंसी की तैयारी भी वहां पर करवाई जा रही है। रीट वैकेंसी का इंतजार था और इंतजार अब आपका खत्म हो चुका है। फ्रेंड्स, चलते हैं सीधे और आज जो भास्कर की जो न्यूज आई है उसमें क्या इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए काम आने वाली है। नई रीट भर्ती को लेकर फैसला आ चुका है, शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है, डिटेल्स हम आज पर बात करने वाले हैं। जो भी रीट वैकेंसी L1 और L2 की तैयारी कर रहा है जरूर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। फ्रेंड्स, तो भास्कर की न्यूज में आया है फ्रेंड्स, शिक्षा मंत्री सोमवार को जाएंगे शिक्षा विभाग यानी अजमेर में, वहां पर बोर्ड की जो मीटिंग है उसमें क्या फैसला लिया जाएगा आज हम बात करने वाले हैं। शिक्षा बोर्ड ने 102 करोड़ और नई भर्ती रीट वैकेंसी को लेकर, रीट वैकेंसी की लगातार शिक्षा मंत्री के द्वारा और हमारे जो विद्यार्थी है और जो युवा बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं मनोज मीणा के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि वैकेंसी जल्दी ही करवाई जाए क्योंकि अभ्यर्थी उसका लंबे टाइम से इंतजार कर रहा है। अशोक गहलोत की सरकार में आपकी रीट वैकेंसी करवाई गई थी और अब जो नई आपकी सरकार आई है भजनलाल शर्मा की, उसको 6 से 7 मंथ हो चुके हैं लेकिन जो मदन दिलावर है उनके द्वारा एक भी वैकेंसी घोषणा नहीं की गई है। इस कारण विधानसभा में भी आप ये विरोध किया गया था कि कब तक वैकेंसी आएगी रीट वैकेंसी, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा पद शिक्षा विभाग ने भेजा है कि 1 लाख से अधिक पद आपके रिक्त बताए जा रहे हैं और वैकेंसी आपकी फर्स्ट ग्रेड से लेकर थर्ड ग्रेड तक की, उसमें पीटीआई भी शामिल है और जो योगा टीचर की वैकेंसी है वो भी उसमें शामिल है और पीटीआई के अलावा इसमें लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी शामिल है। तो विधानसभा में भी इसका जोरदार विरोध किया गया, उसके बाद में अब शिक्षा मंत्री जी अजमेर जाने वाले हैं और उनके द्वारा वहां पर फैसला लिया जाएगा, फैसला आपकी रीट वैकेंसी को लेकर लिया जाएगा। रीट वैकेंसी में भी क्या क्या फैसला हो सकता है ये हम आपको अभी बता देते हैं। फ्रेंड्स, रीट वैकेंसी में फैसला होगा कि रीट में कितनी एग्जाम होगी, क्योंकि शिक्षा मंत्री के द्वारा बार-बार कहा जा रहा है कि हम रीट वैकेंसी में संशोधन करेंगे। रीट वैकेंसी में पहले एक एग्जाम होती थी, फिर अशोक गहलोत की सरकार में इसको 2 में कन्वर्ट कर दिया गया था, तो अब उनके द्वारा कहा जा रहा है कि एक ही एग्जाम के द्वारा इसका मेंस की एग्जाम करवाई जाएगी, उसके आधार पर मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या रहने वाली है इंफॉर्मेशन जो आपके लिए काम आने वाली है। फ्रेंड्स, शिक्षा मंत्री बनने के बाद मदन दिलावर पहली बार सोमवार को अजमेर आ रहे हैं। दिलावर ने प्रदेश के लोगों को बड़ी उम्मीद है, राजस्थान सरकार अपने करीब 7 महीने के कार्यकाल में अब तक न तो बोर्ड अध्यक्ष दिया है न ही नई भर्ती के लिए कोई हरी झंडी दी है। अभी तक हमारी एक भी वैकेंसी श्री मदन दिलावर के द्वारा घोषणा नहीं की गई है और इसमें सबसे बड़ी वैकेंसी है जिसका इंतजार है हमारे विद्यार्थियों को। 16 से 17 लाख विद्यार्थी लगातार इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। इस वैकेंसी की क्या अपडेट है इसमें हम वो सबसे पहले देखेंगे। 2 साल से रीट वैकेंसी आपकी नहीं हुई है। CBSE 1 साल में 2 बार सीटेट का आयोजन देश भर में करा रहा है। राजस्थान में रीट 2 साल हो चुके हैं, इस परीक्षा के लिए कोई भी तैयारी नहीं हो रही है और दिलावर की शाम को कलेक्ट्रेट में मीटिंग होगी तो इसमें अब फैसला आने वाला है और यह सोमवार को हमें पता चलेगा कि क्या फैसला आने वाला है। फैसला आपका रीट वैकेंसी को लेकर कन्फर्म श्योर आने वाला है और रीट वैकेंसी को मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका जुलाई में ही नोटिफिकेशन आने वाला था लेकिन कुछ दिक्कतों के कारण आपका नोटिफिकेशन अगस्त में कर दिया गया है। अगस्त से पहले भी या अगस्त के फर्स्ट जो वीक है उसमें आपको रीट वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, इसलिए मैं लगातार आपको बोल रहा हूँ हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8085713375, इस ग्रुप में ऐड हो जाओ और राजस्थान की रीट वैकेंसी की तैयारी में लग जाओ। कुछ दोस्त बोल रहे थे कि रीट वैकेंसी की भर्ती नहीं आएगी, तो नहीं आएगी तो उन लोगों को वो अपवाद की श्रेणी में होते हैं, उनको तैयारी नहीं करना होता है। मैं अभी आपको बोल रहा हूँ जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी है वो तैयारी में लग चुके हैं, उनको ये नहीं लेना देना कि कहाँ आंदोलन हो रहा है क्या सरकार कर रही है, उनको विश्वास है और आपको भी मालूम है कि 32,000 पदों पर आपका रीट वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने वाला है। और जो ये सोचते रह जाएंगे कि वैकेंसी नहीं आएगी, अचानक आपकी वैकेंसी होगी और आपको फिर इसमें टाइम नहीं मिलेगा, आपको भी मालूम है कि रीट वैकेंसी का सिलेबस लंबा सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने एक वीडियो अपलोड भी कर दिया है तो आप जरूर वो वीडियो भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, रीट की तैयारी करने की लग जाओ और कोई भी इन्फॉर्मेशन और प्राप्त करनी है तो व्हाट्सएप पर आप हमें मैसेज कर देना। तो सभी को धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स।